फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे थे हम, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्टार्ट किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। अब जो है हम उसका डिटेल में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसमें वही जैसे वहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में जैसे ब्रेक करके किया था ना दो इंटीजर के बीच में, दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा। फिर से यहाँ पर वही बात, जैसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन उसको हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं, ऐसे है ना सिंबल है उसका कर्ली ब्रैकेट के अंदर, नोटेशन भी बोल सकते हैं। सो इसमें ऐसे मान लिया x 0 और 1 के बीच में है, जैसे इंटीग्रल पार्ट में किया था वैसे ही। तो इस वाले केस में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 हो जाता है। अच्छा नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर होता है उसको ऐसे ब्रेक किया जाता है, उस नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। कोई भी रियल नंबर को उसके दो पार्ट होते हैं, है ना, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये वाले पोर्शन में x अगर आपका 0 और 1 के बीच में है और 0 इंक्लूडेड है तो उसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है कितना हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, गड़बड़ हो गई सॉरी, हाँ 0 और 1 के बीच में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के इस पर्टिकुलर केस के लिए ये जो बॉक्स है उसकी जगह बॉक्स फंक्शन की जगह जीरो लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स इज इक्वल टू। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो ग्राफिकली समझना है मुझे, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे मतलब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में जहाँ पे 0 इंक्लूडेड है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जो है ये वाली लाइन ये वाला मतलब x मतलब y इज इक्वल टू x वाली लाइन को फॉलो करेगा, है ना, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये y इज इक्वल टू f ऑफ x कर गया है ना, यानी कि ऐसा बोलेंगे ना y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, है ना। हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 और 1 के बीच में है तो वो उसका ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू x वाली लाइन को फॉलो करेगा। कौन से पोर्शन में, x अगर 0 और 1 के बीच में है तो। सेकंड केस उसी तरह से x अगर 1 और 2 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख दो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेसिकली क्या हो जाएगा, x माइनस 1। सिमिलरली देखो अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, अगर आपका x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से देखो ये चलता रहेगा कि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर x 3 और 4 के बीच में है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है x माइनस 3 लाइन को फॉलो करेगा, x माइनस 3 y इज इक्वल टू x माइनस 3 लाइन को फॉलो करेगा। नेगेटिव साइड भी देख लेते एक दो यहाँ पे केस तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया x माइनस 1 और 0 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना, देख लेना, चेक करना है तो कर दो। माइनस 1 और 0 के बीच में x है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया आपका x का वैल्यू माइनस 2 और 0 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, x प्लस 2। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो और इन्हीं को देख देख के मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर, ठीक है, इसी को देख के हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। हम थोड़ी है ना थोड़ी ब्रांच बता, इनफाइनाइट तक तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते लेकिन थोड़े इंटीजर्स तक जो है मान लिया 5 तक, इधर भी माइनस 5 तक जो है मैं बना दूंगा। ओके तो ये आप नोट डाउन आप कर लेना पॉज करके, और मैं डायरेक्ट जो है ग्राफ, मुझे तो याद ही है ग्राफ और मैं कैसे बना रहा हूँ वो आपको यहाँ पे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। ग्राफ तो वैसे आपको याद रखना है लेकिन यहाँ पे प्रोसेस है, इसलिए इंटीग्रल पार्ट फंक्शन का ग्राफ और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों के ग्राफ के लिए प्रोसेस है सिंपल सा। तो जैसे कि एक्स अगर आपका 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 5 के भी आगे कंटिन्यू है ग्राफ, ठीक है, और इधर -1, -2 क्योंकि बहुत दूर तक जाना तो पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा यहाँ पे सर 10 तक करो, इनफ है इतना आप समझ पाओगे। तो जैसे मान लिया x क्या था, 0 और 1 के बीच में है,
तो आपके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करेगा। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कैसी होगी, 45 डिग्री पे ऐसी होगी। तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। x बोल दो इसको, ये 1 हो गया, ठीक है, हाँ सिंपल है। ये हॉलो सर्कल क्यों आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। 0 होगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, 0 होगा जब x इंटीजर होगा खुद। 0 और 1 के बीच में इंटीजर 0 है, 0 और 1 के ये वाले पोर्शन में, मतलब 0 और 1 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं, मतलब 0 इक्वल टू यहाँ पे है ना, 0 इंक्लूडेड है, तो ये वाले पोर्शन के लिए 0 इंटीजर है, इंटीजर है ना वो, एक 0 है। उसी तरह से मान लिया x आपका 1 और 2 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ याद करो x माइनस 1 था, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू x माइनस 1 वाली लाइन को फॉलो करेगा। y इज इक्वल टू x माइनस 1 बहुत ही सिंपल है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, स्लोप 1 है, टेन 45 है ना, स्लोप एंगल कितना 45 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में देखो ये y इज इक्वल टू x से पैरेलल ही आएगा, बस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है। सो 1 और 2 के बीच में ग्राफ ऐसे बनेगा, छोटा सा सेगमेंट बनेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1, एक बड़ी लाइन, एक है ना, एक पूरी लाइन आएगी, उसमें से इतना पोर्शन आ जाएगा क्योंकि आपका x जो है वो लिमिटेड है। x कितना है 1 और 2 के बीच में, उसके लिए जो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है y इज इक्वल टू x माइनस 1, ऐसे x y इज इक्वल टू x माइनस 1 तो ऐसे बहुत है ना, ये पूरी लाइन आएगी, लेकिन इतने से पोर्शन में जो है एक सेगमेंट बना देगा, है ना, लाइन का ये लाइन सेगमेंट बना देगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। तो इसको लिख दिया x माइनस 1। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में अगर x है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, अगर आपका x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, 2 इंक्लूडेड है वहाँ पे, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना था वहाँ पे, x माइनस 2, यानी कि उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या निकलता है कि 2 और 3 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू x माइनस 2 वाली लाइन को, y इज इक्वल टू x माइनस 2 वाली लाइन पे लाइन सेगमेंट बनाता है बिटवीन 2 एंड 3, x एक्सिस पे देखने का 2 और 3 के बीच में, जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 2 वाली लाइन ऐसे आएगी। अच्छा, ये सब पैरेलल होगा x, क्योंकि सभी का स्लोप 1-1 ही है, तो स्लोप एंगल सभी का 45 आएगा। सो 2 और 3 के बीच में ऐसे सेगमेंट बन जाएगा, है ना, तो सिंपल है, यहाँ पे ऐसे बना दो, है ना, ये x माइनस 2 हो गया, फिर ये x माइनस 3 हो गया, ये सब पैरेलल होंगे, इधर जो है x माइनस ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह से आप राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड, जैसे राइट हैंड साइड पे बनाया ऐसे राइट लेफ्ट साइड पे भी बना दो, माइनस 1 और 0 के बीच में आपकी लाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे लाइन सेगमेंट हो जाएगा, x प्लस 1, है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1, और फिर उसी तरह से यहाँ पे माइनस 2 और 1 के बीच में भी ऐसे ही बनेगा, पैरेलल, सभी पैरेलल ही है ना, माइनस 3 और 2 के बीच में ओके, यहाँ पे ये सब 1 ही है, मतलब ये जो हॉलो सर्कल है वो सब 1-1 है, मतलब है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है ओके। तो अब जो है ये जो हो गया यहाँ पे x प्लस 1, फिर ये x प्लस 2, फिर x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, और इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ रुक नहीं गया है, इधर पीछे चलता रहेगा, ऐसे ग्राफ इधर भी चलता रहेगा राइट हैंड साइड पे भी, क्योंकि नेचुरल नंबर खत्म थोड़ी होते हैं, इंटीजर खत्म थोड़ी होते हैं, इधर नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा, इधर नेगेटिव इंटीजर खत्म नहीं होंगे ओके। सो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। अब इसका थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, रेंज ध्यान से देखे तो 0 और 1 के बीच में ही है, 0 इंक्लूडेड, रेंज देखो यहाँ पे है, रेंज क्या है फंक्शन का, क्लोज ओपन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड होगा, 0 कब आएगा, जब आपका x जो है वो खुद इंटीजर होगा तब, ठीक है, सो 0 इंक्लूडेड होगा, 1 कभी नहीं आएगा, 1 थोड़ी आएगा, है ना, 1 पे इसलिए हॉलो बनाया सब पे, सभी ब्रांचेस पे जो है 1 हॉलो है। नेक्स्ट पीरियोडिक है, यस
यहाँ पे आप बस वही बात है, पीरियोडिक है कि नहीं, पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है, पीरियड कितना है, वन है, क्योंकि देखो जीरो और वन के बीच में जैसा दिख रहा है वैसा ही वन और टू के बीच में दिखेगा, वैसे सेम टू और थ्री के ना, आपका जो ग्राफ है वो अपना, वो ग्राफ खुद, ग्राफ का जो शेप है वो रिपीट हो रहा है बार बार। देखो यहाँ पे स्टेप फंक्शन में रिपीट नहीं हो रहा था, है ना, GIF में रिपीट नहीं हो रहा था, वहाँ पे तो स्टेप बन रही थी, है ना, यहाँ पे लेकिन रिपीट हो रहा है। देखो जैसे साइन में होता है, कॉस में होता है, वैसे यहाँ पे जो है साइकिल रिपीट हो रही है। देखो ये ग्राफ का साइकिल जो है रिपीट हो रहा है। तो जीरो और वन के बीच में जैसा है, तो पीरियड तो पता ही, प्रिंसिपल पीरियड का जो है, आप प्रिंसिपल पीरियड या खाली पीरियड लिखो अभी तो, सो प्रिंसिपल पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो सबसे पहला साइकिल है वो जिस इंटरवल में है उस इंटरवल का लेंथ। तो सबसे पहला साइकिल जीरो और वन के बीच में, ये वाले इंटरवल के बीच में सबसे जो फर्स्ट साइकिल है, या किसी को भी मैं फर्स्ट साइकिल बोल सकता हूँ यहाँ पे तो, लेकिन हम जनरली जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जीरो से जो जो पहली साइकिल बनती है उसको हम जीरो से ही जो है रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। सो जीरो से वन के बीच में ये फर्स्ट साइकिल हो गया। वन के बाद वापस देखो, वन और टू के बीच में वापस ऐसा ही दिखने लगा, दिखने में तो ऐसा ही दिख रहा है ना, जैसे ये सब 45 डिग्री होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाई इक्वल टू एक्स हो गया, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन हो गया, एक्स माइनस टू हो गया, कुछ भी हो गया, सभी लाइन का जो है स्लोप है वो वन है, यानी कि स्लोप एंगल 45 हो जाएगा, इसलिए ये सब जो है सेम दिखेगा। सो यहाँ पे प्रिंसिपल पीरियड कितना हो जाएगा, जो पहला जो इंटरवल है उसमें उसका लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ साइकिल है ना, फर्स्ट साइकिल, इनिशियल साइकिल, वो कितना है, 1-0 बोले तो 1। ठीक है, प्रिंसिपल पीरियड जो है फ्रैक्शनल पार्ट का 1 है, याद रखना। डोमेन रेंज बाउंडेड है, यस बाउंडेड है, अपर बाउंडेड लोअर बाउंडेड दोनों है, लेकिन अपर बाउंड जो है, ठीक है, अपर बाउंड जो है इज नॉट टेकन बाय द ग्राफ, क्योंकि रेंज जो है 1 है, उस पर 1 पे क्या है, ओपन सर्कल है, ओपन मतलब ओपन इंटरवल है, और लोअर बाउंडेड इज टेकन बाय द ग्राफ, 0 जो है इंक्लूडेड है, इसलिए एफ मिनिमा 0 है, एफ मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए एफ मैक्सिमा पता नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, एसिम्प्टोट्स नहीं है, एसिम्प्टोट वगैरह कुछ नहीं है। ओके फाइन, फेयर इनफ। तो ये हो गया ग्राफ, है ना, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जेई में, एडवांस में, मेंस में, दोनों में। तो ये इतना चीज़ें होने के बाद जो है हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ छोटी मोटी, फिर जो इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया, अब इसकी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़, इंटीग्रल पार्ट की भी आएगी उसमें, सबसे पहले मैं, क्योंकि ये दोनों साथ नहीं पढ़ते, फ्रैक्शनल पार्ट और है ना इंटीग्रल पार्ट, दोनों मतलब एक ही टॉपिक के अंदर इसको कवर कर सकते वैसे, है ना, सो इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी भी हम साथ में ही देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज़, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई, इंटीजर होता है और रिफ्रैक्शन, ओके, यहाँ पे ये जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कितना होता है, जीरो और वन के बीच में होता है, अभी हमने देखा। सेकंड केस, सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी, अच्छा, कोई नंबर अगर इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट, वो पार्ट जो है वो खुद नंबर होगा, और उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो है, अगर इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसको ऐसा बोलते हैं कि पहले कोई नंबर है एक्स, रियल नंबर, उसका इंटीग्रल पार्ट निकला और उसका वापस इंटीग्रल पार्ट निकला। अच्छा, एक्स का अगर आप इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो वो खुद इंटीजर आएगा, और इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट वापस वही आता है, सिंपल है ना, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से। अगर आप एक्स का इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो ये आएगा, ये खुद आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वापस इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हो कोई इंटीजर का, क्योंकि ये देखो इंटीग्रल पार्ट तो हमेशा इंटीजर होता है, तो इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट तो वापस वही आएगा ना। सो ये हो गया एक, फिर उसी के साथ जो है, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स,
कोई नंबर है एक्स रियल नंबर, उसका हमने इंटीग्रल पार्ट निकाला, इंटीग्रल पार्ट निकाला और उसके बाद जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला। अब देखो एक्स का इंटीग्रल पार्ट जो है वो खुद एक इंटीजर होगा और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो, सिंपल। उसके बाद यस, फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट है ना, कोई भी नंबर x है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला और उसका वापस जो है आपने इंटीग्रल पार्ट निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लिया 1.2 है, अच्छा एक मिनट, एग्जांपल जैसे मान लिया इसका 1.2 है, तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आ जाएगा, है ना। हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोई भी नंबर का, कोई भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है। तो अब इसमें देखो बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर जो है इंटीग्रल पार्ट GIF के अंदर जो है, अगर आप इनपुट 0 और 1 के बीच में से पुट कर रहे हो तो उसका आउटपुट तो 0 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है, तो वो 0.2 का बॉक्स यानी कि GIF 0 हो जाएगा, ठीक है, सही है, सिंपल। तो ये हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो वो खुद ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही आएगा। जैसे कि मान लिया कि कोई भी नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट आप ले रहे हो, जैसे मान लिया 1.2 ही ले लेते हैं, या कोई और नंबर ले, मान लिया 2.5 का आप फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो आप, वो 0.5 आएगा और उसका वापस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ले रहे, उसका वापस फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो तो वापस वही आएगा, है ना, क्योंकि नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है, है ना, अगर नंबर जो है मतलब 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तब उसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए उसका फ्रैक्शनल पार्ट वो नंबर खुद ही आता है, सिंपल है। इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये चार प्रॉपर्टी, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैंने चार चीज़ें लिखा दी, तो उसको भी देख लेना। नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, यस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, उसका वैल्यू जीरो If x is integer, पहले लिख लेते फिर समझाते हैं, इज इक्वल टू -1 इफ x इज नॉट इंटीजर। ये फंक्शन यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है वो ब्रेक होगी, अगर x इंटीजर है तो 0 होगा और अगर x इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तो -1 होगा इसका वैल्यू। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लिया x इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स यानी कि -1 का इंटीग्रल पार्ट वो -1 आ जाएगा। तो अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स को अगर आप ऐड करोगे 1-1 जीरो हो जाएगा। सो अगर एक्स इंटीजर है तो ये सही लिखा है मैंने, अच्छा अब एक्स इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है या रेशनल है, सॉरी है ना, रेशनल या इरेशनल कुछ भी है, मान लिया 2.7 है, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स मतलब 2.7 का इंटीग्रल पार्ट मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.7 यानी कि -3 आएगा, क्यों, -2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर -3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो -1 आएगा, देख लो, ओके। सो सही लिखा है, ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पे ये चीज है ना, यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे, है ना, एक्स इंटीजर है तो 0 आएगा इसका वैल्यू, इंटीजर नहीं है तो 0 नहीं आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट, अब ऐसी सेम प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी आएगी, है ना, तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी में मैं ऐसा कर दूं, कुछ बॉक्स की जगह मैं मतलब GIF की जगह फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है, अगर x, हाँ ये तो सही रहेगा, लेकिन x इंटीजर है तो वैल्यू 0 ही रहेगा, लेकिन x इंटीजर नहीं है तो वैल्यू -1 नहीं +1 हो जाएगा। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से,
तो इसकी इसको बनाने के लिए हम जो फोर्स वाला प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, वो प्रूफ कर चुके हैं। सो यहाँ पे ये फोर्स वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले ये इंटीजर वाला केस लेते हैं, ठीक है, ओके। कोई भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या लिख सकते हैं हम, नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सही है ना, ये तो लिख सकते हैं ऐसे। उसी तरह से कोई भी नंबर का जो, हाँ वही, फिर से इसका भी ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। उसी तरह से माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा एक मिनट, हाँ इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, नंबर माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी इंटीग्रल पार्ट क्या लिखेंगे, नंबर क्या है माइनस एक्स है, उसमें से उसका फ्रैक्शनल पार्ट मतलब माइनस एक्स, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ओके। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है तो उसको ऐसे लिख दिया, एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बना, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। उधर जीरो ही है ना, राइट हैंड साइड जीरो ही है, इसलिए इधर माइनस साइन गायब कर दो तो कुछ ऐसा आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बराबर जीरो। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सिमिलरली दूसरा केस, अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसमें क्या होता था, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x क्या हो जाता, माइनस वन हो जाता था। यहाँ पे भी वही सेम चीज करेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x को क्या लिख सकते हैं, माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तीनों टर्म में माइनस है तो माइनस साइन गायब कर दो तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बराबर प्लस वन। यहाँ पे बस यही रीजन है कि प्लस वन आएगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये लिख लेना है ना, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई, जहाँ पे x कोई रियल नंबर है और i एक पर्टिकुलर इंटीजर है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस i। इंटीजर जो है वो अलग से लिख सकते हैं, है ना, अगर i इंटीजर है तो ही ब्रेक होगा ऐसे, वरना नहीं ब्रेक होगा। इन जनरल हम ब्रेक नहीं कर सकते कि x और y कोई भी दो नंबर है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स वी कैन नॉट राइट, मतलब फ्रैक्शनल जो इंटीग्रल पार्ट है वो जो है ऐसे सम में ब्रेक नहीं किया जा सकता, ओके। इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लो, ऐसे मान लिया कि 1.2 प्लस 5 का इंटीग्रल पार्ट लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 5 खुद इंटीजर है, दोनों साइड से आप मैच भी करा सकते हो, 1.2 का इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा और 5 तो 5 ही है, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो तो 6.2 का इंटीग्रल पार्ट जो है 6 ही आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से बराबर वैल्यू आएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट, सम में हो गया, प्रोडक्ट में देख लेते, इंटीजर इंटू एक्स, इन जनरल जो है प्रोडक्ट में ऐसे ब्रेक नहीं होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है ऐसे प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इन जनरल तो होता ही नहीं है। और ऐसे अगर कोई एक इंटीजर है, प्रोडक्ट में दो नंबर लिखे है, उसमें से एक इंटीजर है और एक रियल नंबर कोई भी है, मतलब कोई भी दूसरा नंबर है, तो इन जनरल ऐसे ब्रेक नहीं होगा, अगर दोनों इंटीजर होंगे तो हो जाएगा ब्रेक ना, सिंपल है यार, अगर दोनों इंटीजर है तो ब्रेक हो ही जाएगा ना। इसे मान लिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इंटू 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2, तो सही है ना, 5 टू 10, 10 का इंटीग्रल पार्ट वो 10 ही आएगा, और 5 टू वो 5 का इंटीग्रल, इधर 5 का इंटीग्रल पार्ट सेपरेटली 5, इधर 2 का इंटीग्रल पार्ट 2, सो 5 टू इधर भी 10 आएगा, लेकिन इन जनरल दोनों में से कोई एक इंटीजर है दूसरा नहीं है तो ऐसा नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया ये 5 हो गया मान लिया, ठीक है, और ये हो गया मान लिया 0.2, यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। देखो जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 तो मतलब 5 जो है वो तो 5 ही रहेगा यहाँ पे,
ब्रेक किया तो भी, लेकिन यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आएगी, 5 × 0.2 यानी कि 1 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखो 5 का इंटीग्रल, 5 मतलब 5 है ना, आई मतलब 5 है, आई इज इक्वल टू 5 लिया है, और एक्स का वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2 का इंटीग्रल पार्ट तो 0 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 आ रहा है और लेफ्ट साइड का वैल्यू 1 आ रहा है। सो इन जनरल ऐसे ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, सम में भले ही ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट में नहीं होगा। अच्छा डिफरेंस में भी हो जाएगा, वो भी लिख लेना। ओके डिफरेंस में भी हो जाएगा, एक और प्रॉपर्टी नाम दे दे लिख सकते हैं। ओके फेयर इनफ। और अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई, ये 8th प्रॉपर्टी ले लो, x प्लस आई प्लस, आई प्लस होना चाहिए, यस, तो जो है इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाता है। सिंपल है, जैसे कि मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है, सिमिलरली 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी जो है वो 0.2 ही है, देख सकते हैं। 1.2 में आपने 2 ऐड किया, प्लस 2 ऐड किया, इसलिए आई प्लस लिखा है यहाँ पे। इन जनरल फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो भी ब्रेक नहीं होता है पॉजिटिव सम में, ठीक है, बस यहाँ पे इनफ है। यहाँ पे प्रोडक्ट में भी नहीं होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। प्रोडक्ट में भी जो है जैसे इंटीग्रल पार्ट भी नहीं होता है इन जनरल, वैसे ये भी नहीं होता है, ठीक है।